दोस्तों आज हम बात करेंगे विनय कुमार के बारे में। विनय कुमार को इंडियन ने क्यों निकाल दिया और सारे गमा बड़ा लिटिल चैंप में जब ये ऑडिशन देने के लिए आया था तो इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे से मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जी हाँ दोस्तों, विनय कुमार सारे गमा बड़ा लिटिल चैंप में ऑडिशन के लिए आया था और जब इसने अपनी परफॉर्मेंस दी तो बहुत सारे जजेस और हमारी जो चीफ ऑडिशन में जो हमारी काम करती हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया है। विनय कुमार को सबसे बेहतर और ऑडिशन परफॉर्मर करार दिया गया था सारे गमा पा लिटल चैम्प में। मैं तो इनको काफ़ी अच्छा समझता था लेकिन सारे गमा पा लिटल चैम्प के एक जज ने इनको कहा कि इसको लेकर जाओ यहाँ से, ये किसी काम का लड़का नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि विनय कुमार की परफॉर्मेंस क्या इतनी घटिया थी? वो लड़का है जिसने सारे गामा पर लिटिल चैंप में धूम भी मचाई थी और ऑडिशन के वक्त इसने अपने कुछ ऐसे सुर लगाए थे जिस पर कुछ जजेस तो हैरान ही रह गए थे कि ये छोटा सा बच्चा और इसने क्या गायकी की है। आप लोगों को क्या लगता है कि विनय कुमार को इंडियन आइडियल सारे गामा पर लिटिल में क्या ऑडिशन हासिल, क्या इसको मुखाफफ हासिल होगा? तो जी हाँ, उनका नाम था, हमारे बहुत ही अच्छे जज हैं लेकिन मैं उनके बारे में ऐसा सोचता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात कर दी। उनका नाम है अनु मलिक। वो अपनी चेयर पर बैठे रह गए थे जब विनय अपना ऑडिशन दे रहा था तो हमारे जो वीआईपी सर हैं अनु मलिक, इन्होंने इसको काफ़ी डिमोटिवेट भी किया था। और पहले तो सब जजेस अपनी करंदाजी में कहते ही हैं कि काफ़ी अच्छा सिंगर है फलां फलां, और काफ़ी सारे कंटेस्टेंट भी बैठे थे उन देख सकते हैं कि आप उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, अपना किरदार अदा नहीं किया। लेकिन जो विनय के साथ जो थी, विनय कुमार के साथ जो जज थी, वो आपके सामने पिक्चर में शो हो रहा है कि ये लड़की थी जो विनय कुमार को काफ़ी पसंद करती थी। आप लोगों को क्या लगता है, विनय कुमार को सारे गामा पर लिटिल चैंप में रहना चाहिए था या नहीं? मुझे तो विनय कुमार की आवाज़ काफ़ी प्यारी लगी थी और इनको अगर एलिमिनेट किया भी जाता तो टॉप 5 या टॉप 7 तक विनय कुमार की परफॉर्मेंस बनती थी, लेकिन अनु मलिक ने सारी यहाँ पर आकर तबाही मचा दी। मैं तो विनय कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, विनय कुमार इस ऑडिशन में रहेंगे या नहीं? अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विनय कुमार के लिए सब्सक्राइब कर दें, और हर बार की तरह यही कहूँगा कि ज़रूर हमारे चैनल पर सपोर्ट करते रहिएगा और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।